आज हम आए हैं वागले की दुनिया के सेट पर। सामने ही देखो शूट चल रहा है और ये देखो आप इतना बड़ा कैमरा है जिससे पूरी सीरियल शूट की जाती है। ये है राजेश वागले का घर जो आपको सीरियल में दिखाया जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में पूरा ये घर अंदर से दिखाता हूँ। ये है इनके ऑफिस का एरिया जो राजेश वागले की ऑफिस दिखाई जाती है। तो देखो यहाँ पर भी शूट चल रहा है, सारे एक्टर्स अभी रिहर्सल कर रहे हैं अपनी और कैमरामैन सारी अपनी सेटिंग्स कर रहे हैं। और फिर हमारी मुलाकात सुमित राघवन सर से भी हुई जो राजेश वागले का रोल प्ले करते हैं। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वागले की दुनिया के सेट पर जो कि सीरियल आती है सब टीवी पर। और उसका सेट है ना यहाँ पर मुंबई में ही लगा हुआ है, तो मैं भी बहुत टाइम से ट्राई कर रहा था वहाँ पर जाने की। देखो आज फाइनली अभी चांस मिला ही है तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि उसका सेट कैसा बना हुआ है, वहाँ पर शूटिंग्स कैसे होती है, कैसा है उसका पूरा सेट। और देखते हैं आज कौन कौन एक्टर्स भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो ट्राई करेंगे उनसे भी मिलने की। और स्पेशली तो जो सुमित राघवन सर है जो यहाँ पर राजेश वागले का रोल प्ले करते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं उनको बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहा हूँ। जो शुभ मंगल सावधान सीरियल आया करती थी तब से मैं उनको देखता आ रहा हूँ और फिर काफी सारी मूवीज उन्होंने की। तो देखो आज ट्राई करेंगे हम उनसे भी मिल पाए और बाकी जो भी वहाँ पर कास्ट होंगे उनसे भी ट्राई करेंगे मिलने की। हम लोग सेट के अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये इसका है ना बाहर का एरिया है स्टूडियो का। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ना इसके अंदर पूरा यहाँ पर वागले की दुनिया का सेट बना हुआ है और ये बाहर इनका पार्किंग एरिया। और मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो साई दर्शन हाइट्स लिखा हुआ है जो कि यहाँ पर ये वागले की दुनिया सीरियल में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि जो यहाँ पर एक्टर्स है वो लोग यहाँ पर साई दर्शन की सोसाइटी में रहते हैं। अभी चलो आपको है ना सेट के यहाँ पर लेकर चलता हूँ और सेट के अंदर मैं दिखाता हूँ कि कैसे शूट भी होता है और कैसा है इनका पूरा सेट। देखो अभी हम सेट के अंदर की तरफ आ चुके हैं। ये यहाँ पर बाहर है ना ऐसा लॉबी का एरिया बनाया गया है जहाँ पर ये लोग सोसाइटी के सीन्स दिखाते हैं। तो देखो सामने की तरफ भी एक घर बना हुआ है, सामने की तरफ एक लिफ्ट बनाई गई है और ये वाला जो घर देख रहे हो ना ये जो राजेश वागले का घर दिखाया जाता है वो यहाँ पर है। ये देखो सामने एक लिफ्ट बनी हुई है। तो मैंने ऐसी लिफ्ट है ना कोई सेट के अंदर बनी हुई फर्स्ट टाइम देखी है, लेकिन वो कोई रियल लिफ्ट नहीं है, वो सिर्फ ऐसे स्लाइडिंग डोर्स होते हैं उसमें जिसकी मदद से हमें लिफ्ट जैसा दिखाया जाता है। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजेश वागले के घर के अंदर की तरफ। देखो अभी तो सारी यहाँ पर सामान है ना बिखरे पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर शूटिंग की तैयारी हो रही है, लेकिन जब यहाँ पर शूटिंग होगा ना तभी सारी चीजें यहाँ पर क्लीन कर दी जाएगी। ये देखो हम लोग किचन के एरिया में आ चुके। तो देखो सारी चीजें ना हूबहू रियल बनाई गई है। डाइनिंग टेबल भी एक यहाँ पर रखा हुआ है और देखो ये तरफ सारे सोफा रखे गए हैं। तो सारी चीजें ये वॉल्स को भी देखकर मुझे ऐसा ही लगता है मैं कोई रियल घर के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन ये सारी चीजें ना प्लाई मटेरियल से यहाँ पर बनाई गई है। आपको ये रूम के अंदर दिखा देता हूँ। ये जो चिल्ड्रन का बेडरूम दिखाया जाता है हमें सीरियल में ये वही है और अभी देखो शूटिंग भी वहीं पर चल रही है। आप देखो शूट भी देख सकते हो कैसे यहाँ पर होता है। तो आपने शूटिंग तो देखा ही, तो अभी मैं अपना आपको बाहर की तरफ ले चलता और बाहर की चीजें दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी वॉल्स पर काफी सारी फोटोग्राफ्स लगाई गई है, तो ये चीजों को ना रियलिस्टिक दिखाने के लिए सारी फैमिली की ये लोग फोटोग्राफ्स भी यहाँ पर लगाते हैं। तो इसको देखकर तो हमें ऐसा ही लगता है कि मैं कोई रियल घर में आ चुका हूँ, लेकिन देखो ये कोई रियल घर नहीं होता है। देखो यहाँ पर भी सारी शूटिंग की तैयारियां चल रही है अभी, क्योंकि कुछ टाइम बाद है ना यहाँ पर भी वो लोग रूम्स के सीन यहाँ पर शूट करेंगे। तो अभी देखो मैं आपको ये लॉबी के एरिया में ले हम चलते हैं ये सामने वाले घर के अंदर और मैं आपको दिखा देता हूँ ये घर भी कैसा है। तो देखो यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर ओवरऑल लुक है पूरे ये घर का, तो जैसा आपको यहाँ पर सीरियल में दिखाया जाता है। ये तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है ये किसका घर दिखाया जाता है, अगर आपको मालूम हो ना तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। देखो काफी खूबसूरत वैसे भी ये घर को पूरा रियलिस्टिक बनाया गया है। और देखो यहाँ पर साइड में सोफा पर एक्टर्स भी बैठे हुए जो अपने शायद रिहर्सल्स कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भी अभी कुछ टाइम बाद शूट होना होगा। तो देखो ये वाले रूम में भी अभी शूट स्टार्ट हो चुका है, सारी लाइट्स यहाँ पर ऑफ कर दी गई है। देखो यहाँ पर लो लाइट में एक्चुअली शूट किया जा रहा है, तो आप भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर वागले की दुनिया को पूरा शूट किया जा रहा है। देखो एक्टर्स भी जो लगे हुए हैं काफी रिहर्सल्स करते हैं वो पहले एक्शन होने से पहले, और एक जो सीन होता है उनका एक दो मिनट का होता है उसमें भी उन लोग को काफी बार टेक देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर हल्की सी भी मिस्टेक हुई ना वो ये लोग चला नहीं लेते हैं क्योंकि आपको वो परफेक्शन दिखनी चाहिए टीवी पर। ऑन अच्छा था, बोलो क्या चाहिए? कुछ नहीं। बोलो तो क्या चाहिए? मम्मा आप मुझे टिफिन बना कर दिया करो ना, पापा मुझे हमेशा टिफिन में पराठे ही देते। अभी देखो ब्रेक का टाइम हुआ तो हमारी मुलाकात ये लीड एक्टर सुमित राघवन सर से भी हुई।
अभी देखो हम लोग वो गार्डन के एरिया के पास आ चुके हैं। आप मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर ये वो पूरा गार्डन का एरिया बना हुआ है। ये वाला गार्डन हमें दिखाया जाता है कि उनकी सोसाइटी का गार्डन होता है और ये काफी बार यहाँ पर भी शूट हुआ है, हमें काफी बार सीरियल में भी है ना ये वाला गार्डन देखने मिला है। और देखो ये वाले गार्डन है ना उसी के बगल में यहाँ पर देखो आप देख सकते हो ये P2P कुरियर्स का ऑफिस बना हुआ है जो राजेश वाघले का ऑफिस हमें दिखाया जाता है। तो चलो अभी ये आपको ये ऑफिस के अंदर दिखाता हूँ, वहाँ पर भी है ना अभी शूट चल रहा है तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप ये बताइए आपके केकड़ी कितने रखे हैं? अरे वो केकड़ी कितने रखे हैं? तो तुम जो तुम ही बता ऑफवर्ड हो रही थी इसने एक्चुअली तुझे मैंने सपोर्ट किया कि तू फेस तू भी नहीं कर पा रही थी ना वो जो मेरे ना हाँ फिर अभी केकड़ी कितने क्यों खड़े हैं और वो ये फुल वाइड है सर, ये फुल वाइड है जी। सो गाइस अभी हम लोग सेट को तो एक्सप्लोर करके है ना वापस आ चुके हैं। मैंने आपको दिखाया क्या खूबसूरत उसका भी सेट बनाया गया है। मैंने पहली बार ऐसा कोई सेट देखा है जिसके अंदर वो लोग ने लिफ्ट बना के रखी है, लेकिन ऑफकोर्स वो लिफ्ट ऐसे रियल की नहीं होती है, उसके ऊपर सिर्फ ऐसे स्लाइडिंग डोर्स लगाए होते हैं जिससे हमें लगता है कि वो लिफ्ट बनी हुई है। यहाँ पर आज है ना दो जगह पर शूटिंग चल रही थी और सेट भी वहाँ पर उनका काफ़ी बड़ा था। एक यहाँ पर जो राजेश वाघले का जो ऑफिस का एरिया दिखाया जाता है, कुरियर की ऑफिस रहती है, तो वहाँ पर भी एक कुरियर ऑफिस में शूट चल रहा था और दूसरा जो उनका घर का एरिया अलग से बना हुआ है तो वहाँ घर के एरिया में भी उनका शूट चल रहा था। लगा था ना फिर सुमित राघवन सर से भी हुई, वो काफी ज्यादा है ना डाउन टू अर्थ है, काफी सारी बातचीत उन्होंने की हमारे साथ। को भी ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हमें ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड कर दे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल द टाइम गुड बाय।